हाय एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल चिकन। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को अच्छे से धो लेना है, एक बोल में रखेंगे। इसके बाद चिकन की लेग पीस को इस तरीके से कट कर लेंगे बीच बीच में नाइफ की हेल्प से। इसके ऊपर हम डालेंगे नमक, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद ऐड करना है काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। सारे मसालों को मिलाने के बाद अच्छे से हाथों की हेल्प से पूरे मसालों को चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से कोट कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अगर आपको भी चिकन खाना बहुत पसंद है तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच काइंड ऑफ अमेजिंग रेसिपी। अब हम चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे 30 मिनट के लिए। यहाँ पर हम काटेंगे एक टमाटर, तो टमाटर को बिल्कुल भी छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लेना है। यहाँ पे हम एक टमाटर बड़ा वाला यूज़ किए थे, अगर आपके पास छोटा टमाटर है तो आप दो यूज़ कीजिए। इसके बाद हम सारे प्याज को कट करेंगे, तो प्याज को हम लोग इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। बाकी सारी रेसिपी में हम लंबे लंबे कट करते हैं, बट आज जो हम चिकन बना रहे हैं उसमें हमें इस तरीके से ही कट करना है, बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 8 से 10 प्याज, छोटे छोटे प्याज यूज़ किए थे, और सारे प्याज को बहुत अच्छे से कट कर लेंगे। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई को, और कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म करके इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है, तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो सरसों के तेल को हाई फ्लेम पे सबसे पहले अच्छे से गर्म करेंगे। इसके बाद जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था ना, उस चिकन को डाल देंगे सरसों के तेल में और बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने में आपको 15 से 20 मिनट आराम से लग जाएगा। आराम आराम से हम लोग फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक हमें चिकन को आराम से फ्राई करते रहना है। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट में और साइड कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये चिकन बहुत अच्छे से रेडिश ब्राउन हो चुका है और बहुत टेस्टी लगेगा, आप ऐसे भी खा सकते हो। तो सारे चिकन को अब हम लोग निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। अब हम सेम तेल में इसमें ऐड करेंगे सूखा गरम मसाला, थोड़ा सा ऐड करेंगे जीरा, यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्राई रेड चिली, सिनेमन स्टिक, दालचीनी, और इसमें ऐड करना है बड़ी इलायची और छोटी इलायची। इसके बाद जितने भी हम प्याज काटे थे ना, उन सारे प्याज को हम लोग तेल में डाल देंगे और अच्छे से इसका कलर जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने में आपको 5 से 7 मिनट या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है, अगर आप लो मीडियम फ्लेम पर करोगे तो। यहाँ पर बहुत अच्छे से देख रहे हो ना, कलर चेंज हो चुका है प्याज का। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो टमाटर को हम लोग जैसा कि छोटे छोटे कट किए थे, इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे नमक एज पर टेस्ट। टमाटर और नमक को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम 5 मिनट तक कुक करेंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे बेसिक मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। सारे मसालों को मिला देंगे प्याज और टमाटर के साथ और अच्छे से इसे भूनना है। हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे जब तक मसाला अच्छे से कुक ना हो जाए और इसे थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज ना हो जाए। और मसाले को हम लोग कुक ना थोड़ा सा पानी का स्प्रिंकल डाल के भी कर सकते हैं अगर सटने लगे वो कढ़ाई में तो। और इसके बाद हम डालेंगे फ्राइड किया हुआ चिकन। चिकन को अच्छे से मिला लेंगे प्याज और टमाटर के साथ और इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी, तो यहाँ पे हम 1 कटोरी पानी यूज़ किए हैं, आप चाहो तो ज़्यादा भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और कुक करेंगे 10 से 15 मिनट तक। साइड में हम कट कर लेंगे धनिया पत्ता, तो अच्छे से वॉश करके हम लोग छोटे छोटे इस तरीके से धनिया पत्ता को कट कर लेना है। एंड ये हमारा 10 मिनट हो चुका और चिकन में काफ़ी अच्छा बॉयल भी आ चुका है। इसके ऊपर हम डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और ये हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म राइस या फिर रोटी के साथ। आई होप यू लाइक माई वीडियो, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। इसे बनाना भी काफ़ी आसान है, प्लस खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।